वार हुआ तो आप लोगों को मैं लाइव अपडेट देता रहूँगा, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं यहाँ से रशिया। आप लोगों को रियल बम दिखाया जाएगा कैसे गिरता है। एक बम गिरा तो गांड फट जाएगी। पर हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर व्लॉग। 6 मंथ बाद आज फिर से वीडियो बनाए हम लोग, और एक छोटा सा एक आप लोगों को अपडेट देना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग सब कुछ देख रहे हो न्यूज़ में, यूक्रेन वार होने वाला है, और अभी मैं यूक्रेन में ही हूँ, खार्किव में, और यहाँ से मुश्किल से 35 से 40 किलोमीटर बॉर्डर है। तो आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे व्यू मस्त है। देखो तो सारा कुछ नॉर्मल चल रहा है, लोग अपने काम में बिजी है, सारा कुछ नॉर्मल, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ये नदी है, नदी पे देखो मछली मार रहा बंदा, उसको भी कोई टेंशन नहीं। सारा यहाँ पे बिल्डिंग्स बन रहे हैं, रेडी है, सब लोग अपने काम में बिजी है। ऐसा कुछ नहीं है जो भी आपको दिखाया जा रहा है, ऐसा वार का सिचुएशन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है नहीं। बस एक रसिया वाला है, रसिया वाला वहाँ पे पुतिन, उसको थोड़ा सा ये सब चीज़ें मज़ा आता है। और ये सबसे बड़ा जो वार का और सबसे बड़ा जो वार का जो नशा जिसको है वो अमेरिका वाले को शांत बैठे मज़ा नहीं आता। जब तक कुछ दुनिया में वार वो नहीं चलो तो उसको मज़ा नहीं आता है। तो अमेरिका चाह रहा है कुछ हो, तो ये सब चीज़ है। और जहाँ तक बात करते हैं, ऐसा सिचुएशन इसलिए बना कि यूक्रेन चाह रहा है कि नाटो ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि हमेशा रशिया वाला कोई ना कोई एक धमकी देता रहता है यूक्रेन को कि अटैक कर देंगे, वो अटैक कर देंगे। तो एक एज ए सिक्योरिटी रीज़न यूक्रेन चाह रहा है कि नाटो ज्वाइन करके ये सब थोड़ा सा टेंशन दूर करने के लिए। तो अभी तक कोई नाटो का जो मेंबर है अभी तक कोई एग्री नहीं हुआ है। मोस्टली एग्रीड है, पर अभी तक कुछ जो मेंबर्स हैं वो एग्री नहीं कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। तो जब तक ये नाटो ज्वाइन नहीं करेगा, जब तक ये पुतिन अटैक नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि रशिया वाला जो है, सब जो भी कंट्री से रशिया से कनेक्टेड है वो ज़्यादातर नाटो का मेंबर है। जैसे पोलैंड हो गया, लथविया हो गया, यूक्रेन है एक कंट्री जो नाटो का मेंबर नहीं है। तो एज ए सिक्योरिटी रीज़न ये ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि नाटो में अगर ज्वाइन कर गया तो उसके बाद रसिया वाला सोचेगा इसको अटैक करने, क्योंकि इसके पास 30 मेंबर्स हैं और सब मिलकर इसको यूक्रेन को डिफेंड करेगी। इसलिए एज ए सिक्योरिटी रीज़न यूक्रेन चाह रहा है कि ज्वाइन कर ले, बट अभी तक ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा सिचुएशन में नाटो दूर की बात है। अगर क्योंकि एक बार अटैक कर देगा रसिया वाला, तो बहुत स्ट्रांग आर्मी है रसिया का, तो यूक्रेन का फिर ला था पता नहीं रहेगा कहाँ गया यूक्रेन, इसलिए अटैक करेगा। सारा कुछ नॉर्मल चल रहा है, जो न्यूज़ में आप लोग देख रहे हो सुन रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग अपने अपने में काम में बिजी हैं। जो ये आप देख रहे हो, इसमें बहुत सारा गाड़ी आपको रसिया को भी मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ से 35 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं है, तो ज़्यादातर लोग आकर यहाँ से, रशिया वाले भी आके यहाँ पे जॉब करके फिर शाम में घर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इकोनॉमी है यूक्रेन का ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू रशिया। क्योंकि करेंसी कंपेयर करोगे तो यहाँ का एक ग्रेवियन रशिया का हो जाता है 3, तो जहाँ पे जो भी आगे काम करते हैं 1,000 ग्रेवियन अगले दिन के कमा रहा है, तो रशिया में जाएगा तो उसको 3,000 वहाँ का करेंसी में हो जाता है। तो बहुत सारे आके यहाँ पे जॉब भी करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक दूसरे को हेट करते हैं यहाँ पे लोग एक दूसरे। आप ज़्यादातर देखो खार्किव में, तो खार्किव रीजन में ज़्यादातर जो लोग रहते हैं उनका फैमिली मेम्बर्स रशिया में रहता है, यहाँ से 35 किलोमीटर है, वो लोग आते जाते रहते हैं। सब एक दूसरे को, कोई टेंशन नहीं है, सब एक दूसरे को मतलब कि मिलजुल कर रहते हैं। बट यही है कि पॉलिटिशियन जो है सब सिचुएशन ख़राब करता है पॉलिटिशियन, तो यही वाला चक्कर है। लोग एक दूसरे को अपना एज ए फैमिली मेम्बर्स ही देखते हैं यहाँ पे, सब मिल कर रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हेट करते हैं यूक्रेनियंस रशियन को, या रशियन हेट करते हैं यूक्रेनियन को, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग मिल के ही रहते हैं। और जो ये जहाँ तक वार का सिचुएशन है, ऐसा होने वाला है नहीं मेरे देखने से, ऐसा कुछ होगा भी नहीं, ना 100% ये कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा पैनिक आप लोग मत होइए, जो भी न्यूज़ देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे सब कुछ स्टेबल है, और होप करते हैं ऐसा कुछ होगा भी नहीं मेरे देखने से। तो ये छोटा सा अपडेट आप लोगों को देने के लिए, और यहाँ पे अगर वार हुआ तो आप लोगों को मैं लाइव अपडेट देता रहूँगा, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं यहाँ से रशिया। आप लोगों को रियल बम दिखाया जाएगा कैसे गिरता है। एक बम गिरा तो गांड फट जाएगी, पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं, फिर अब स्टार्ट करेंगे व्लॉगिंग बहुत जल्दी। तो गाइस, नाइस टू मीट यू अगेन एंड सी यू अराउंड। Fearless.
Yeah.